सीक्वल में क्या ऑक्यूपेशन हो सकता है करण अर्जुन का? क्या दोनों किरदारों की पर्सनालिटी होगी एक दूसरे से अलग? क्या होगा जब दोनों भाइयों का होगा मिलन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। क्या आपने कभी सोचा है कि करण अर्जुन की कहानी को अगर आज के दौर में बनाया जाता तो वो किस अंदाज में हमारे सामने आते? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस नए जमाने के करण अर्जुन आखिर क्या करते होते? अगर नहीं तो क्यों ना हम आपको एक ऐसी फिल्म के स्नीक पीक में ले जाएं ताकि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। जी हाँ दर्शकों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम आपको आज के दौर के करण अर्जुन से मिलवाने वाले हैं। तो जरा सोचिए कि आप मुंबई की सड़क पर चल रहे हैं और उसी बीच आप एक ऐसे इंसान से रूबरू होते हैं जो आपके पॉकेट को मारने के लिए अपनी नजर तेज करके बैठा है, जो दिखने में बिल्कुल किसी खाली बैठे एक ऐसे इंसान की तरह लगता है जिसके पास कोई काम नहीं है और अपनी चाल ढाल बिल्कुल किसी छोटे मोटे गुंडे या पॉकेट मार जैसी बनाई हुई है। तो कैसा रिएक्शन होगा आपका जब आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे? आपने इस जवाब को हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अब ये करण है गुंडा, ठीक है? क्या आप अब ये सोच रहे होंगे कि भाई करण का तो हो गया, अब अर्जुन किधर है? अरे अरे शांत हो जाइए क्योंकि करण के भाई अर्जुन भी जरूर आएंगे। अरे आएंगे क्या, आ गए। जी हाँ, चलिए मुलाकात करते हैं नए जमाने के अर्जुन से। पर रुकिए, क्या आपने अपना ड्राइवर लाइसेंस अपडेट करवाया है? क्या आप देश के एक अच्छे नागरिक हैं? क्या आप एक ईमानदार इंसान हैं? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हैं, हम तो बस आपकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि जिस अर्जुन से आप अभी मिलने वाले हैं उसे झूठ से बिल्कुल नफरत है। वो झूठ फरेब रचने वालों से सख्त नफरत करता है क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। जी हाँ सही सुना आपने, जहाँ करण एक छोटा मोटा गुंडा है वहीं अर्जुन एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। अब आया ना कहानी में ट्विस्ट। अरे ये क्या, इस कहानी के ट्विस्ट को बताते बताते तो हम ही ट्विस्ट हो गए हैं। तो रुकिए, हम थोड़ा सीधा होकर आते हैं, फिर आपको इन दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। तो जरा सोचिए, फिर से सोचना है आपको, हाँ फिर से सोचिए कि आपके सामने दो इंसान खड़े हैं। एक ऐसा इंसान है जिसे ना ही सही गलत में फर्क नजर आता है, ना ही वो कुछ सही काम करता है, जिसकी ना ही कोई फैमिली है और वो दिन रात सिर्फ पॉकेट मारी का ही काम करता है और शॉर्ट में अंबानी बनने के सपने देखता है। वहीं आपके सामने दूसरा जो इंसान है वो एक ईमानदार कानून की रक्षा करने वाला मेहनती पुलिस ऑफिसर है जो सिर्फ और सिर्फ मोरल्स पर चलता है। अब आप बताइए कि तब आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको पता चलेगा ये दो ऑपोजिट नेचर के इंसान जो सामने खड़े हैं वो असल में एक दूसरे के भाई हैं? हैरान हुए ना, यही तो कहानी है करण अर्जुन 2 की। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों भाई एक दूसरे से मिले कैसे? वैसे हम बता देना चाहते हैं, इन दोनों भाइयों का हो सकता है कि प्रीक्वल की तरह पूर्ण जन्म हुआ हो। और वहीं जब बात उनके मिलन की आती है तो कहानी कुछ इस तरीके से हो सकती है जिसमें जब एक औरत का पर्स छीनते वक्त करण अर्जुन के हाथों पकड़ा जाता है तब उन दोनों भाइयों को पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं उनकी पिछले जन्म की माँ है जिसके दो जुड़वा बेटे 24 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गए और तब से लेकर आज तक वो अपने बेटों की राह देखती है। वहीं जब वो औरत करण और अर्जुन को पहली बार देखती है तब हो सकता है वो इस कहानी को इन दोनों भाइयों को बताए और इस तरीके से इन दोनों भाइयों का मिलन हो। वैसे तो दोनों भाइयों का मिलन समारोह फिल्मों में किसी भी अंदाज में दिखाया जा सकता है, लेकिन ये आइकॉनिक करण अर्जुन की बात हो रही है तो इसकी एंट्री भी स्पेशली होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये अंदाज पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ख्याति ने।